नमस्कार दोस्तों, अगर आप गाजियाबाद में रहते हैं और आप गाजियाबाद में कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो वो भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से, तो दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 2022-23 में अपने प्रॉपर्टियों के रेट अब नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कुछ ही दिनों पहले अपनी बोर्ड की बैठक में फैसला लिया है कि वह एक साल तक मतलब कि 2022-23 में अपनी प्रॉपर्टी के रेट को फ्रीज रखेगा। इसमें आपका इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी, मधुबम और बापूधाम की एरिया की जो प्रॉपर्टी है उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से खरीदने जा रहे हैं तो आपको पुराने रेट में ही प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसा इसलिए हुआ है कि कोरोना संक्रमण की वजह से जीडीए यानी कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने प्रॉपर्टियों को बार बार नीलामी में लगाने के बावजूद भी प्रॉपर्टी अब बिक नहीं पाई है। तो इसीलिए जीडीए यानी कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ऐसा फैसला लिया है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। घंटी में जो ऑल ऑप्शन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।